उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच यूपी सरकार ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भी लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति अभियान के तहत लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने यूपी में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की है और महिलाओं को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द से जल्द न्याय दिलवाया गया है, लेकिन विपक्ष के लोग सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने बनाया, पॉक्सो के तहत सबसे ज्यादा सजा हमने दी, लोगों के प्रति एंटी रोमियो स्क्वाड हमने बनाया। सबसे ज्यादा आज की तारीख में महिलाओं को की चिंता की हमारी सरकार ने, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। विरोधी दलों पास कोई काम तो है नहीं, उनके पास तो क्योंकि जनता ने नकार दिया, अब कोई काम है नहीं सिवाय बोलना रह गया, तो बोलो कुछ भी चाहे बोलो। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने बनाया, पॉक्सो